class 7. Today I am going to teach chapter 2, moral science. Always stay positive. Always stay positive means हमेशा हमें positive सोचना चाहिए. हमारे negative thoughts हैं उनको positivity में convert करना चाहिए. तो ताकि एक boy की story है, स्टीव नाम का एक लड़का है, उसकी story है जो कि बीमार हो जाने की वजह से काफ़ी negative feel करने लगता है. story में हम देखेंगे the last 6 months had been tough for Steve. He was sick and bedridden, suffering from the infection and made fever and made him weak. स्टीव नाम का एक लड़का था जो कि लास्ट 6 वीक्स से बेड पे है, मीन बेड रेस्ट पे है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी फीवर आ रहा है और वो वीक फील कर रहा है. एज रिजल्ट ही वो नॉट एबल टू अटेंड स्कूल. इसका रिजल्ट ये कि वो स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहा है और काफ़ी इरीटेटिव हो गया है और हाई टेम्पर्ड हो गया है. किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता है. कोई उससे कुछ पूछता है तो बच्चे ला के बोल जाता है. ही साउंडेड एट हिज यंगर सिबलिंग्स. उनके छोटे भाई बहन भी वो काफ़ी चिल्ला के उनकी बात करता है. एंड नॉट लिसन टू हिज पेरेंट्स. और अपने पेरेंट्स की तो बिल्कुल भी नहीं सुनता क्योंकि बीमारी की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है. अब उसमें ना तो बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता बची है. वो उसके माइंड में नेगेटिविटी आ चुकी है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. तो ऐसी चीज़ें बहुत बार हम लोगों के माइंड में आती है तो हम दूसरों के ऊपर झल्ला लगे, दूसरों के ऊपर चिल्लाते हैं. तो ऐसा ही इस चीज़ के साथ भी हो रहा है. फॉलो नो डिसिप्लिन. वो कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा. वन डे हिज मदर सिस्टर ऑन सुसान केम टू विजिट देम. एक दिन उसकी मौसी, उसकी माँ की बहन सुजैन नाम था उसका, वो आती है वहाँ पे घूमने के लिए. स्टीव मदर को देखिए ग्लास ऑफ मिल्क टू एट दैट टाइम. उसी समय स्टीव की माँ स्टीव के लिए एक ग्लास दूध लेके जाती है कि स्टीव ये दूध पी लो. और तुरंत स्टीव झल्ला करके उसको मना कर देता है कि मैं ये दूध नहीं पीऊँगा. जब स्टीव की मासी ये सब देखती है, मीन सुजैन देखती है, तो वो सोचती है कि स्टीव का ऐसा बिहेवियर क्यों हो गया है. सी टोल्ड हर अबाउट स्टीव बिहेवियर व्हाइल टेकिंग हर टू हिज होम टू मीट हिम. लुकिंग एट स्टीव एंड सुजैन एक्सप्लेन हाउ वीक यू हैव बिकम स्टीव. जैसे ही सुजैन की मासी ने सुजैन को देखा, उसने कहा कि स्टीव कितने वीक हो गए, कितने कमजोर हो गए और तुम्हारा बिहेवियर भी बदल चुका है. स्टीव वॉज लाइंग इन बेड एंड वॉज इन अ टेरिबल मूड. स्टीव जो कि बेड पे लेटा हुआ था और बहुत ही गुस्से में था. मदर ट्राइड टू गिव अ ग्लास ऑफ मिल्क टू स्टीव. माँ बार बार कोशिश कर रही थी कि वो स्टीव को दूध दे, दूध पीने के लिए, लेकिन स्टीव मना कर दे रहा था. स्टीव एंगरली लुक्ड अवे. स्टीव गुस्से में दूसरी तरफ देखता है. एंड सुजैन वांटिंग टू गेट सम इंटरेस्टेड ड्रिंकिंग मिल्क सेड डू यू नो दैट काउज कैन प्रोड्यूस मिल्क ओनली बिकॉज दे कैन कन्वर्ट ग्रास इनटू मिल्क. सुजैन जो उसकी मौसी थी स्टीव की, वो काफ़ी देर से खड़ी होकर के नोटिस कर रही थी कि स्टीव कमजोरी की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा झल्ला रहा है. इसलिए वो दूध पी ले स्टीव, इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें करना शुरू करती है. और वो बातें ये कि बताती हैं कि स्टीव से बताती है उनकी मौसी कि स्टीव तुम्हें पता है कि ये दूध जो काऊ हमारे लिए बनाती है वो एक ग्रास ग्रास को खाने के बाद, घास को खाने के बाद घास उनके पेट में एज अ मिल्क कन्वर्ट हो जाता है. तो घास जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, कोई भी मतलब यूजफुल चीज़ नहीं है, सब्सटेंस है, यूजफुल सब्सटेंस नहीं है, तो उसको यूजफुल सब्सटेंस में बदलने के लिए काऊ इतनी मेहनत करती है. मीन्स उसको खाती है तो उसके पेट में जा करके एज अ मिल्क कन्वर्ट होता है. तो इस तरीके से वो स्टीव को ये दिखाती है कि किस तरीके से गाय ने किसी नेगेटिव सब्सटेंस को पॉजिटिव सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स मिल्क बना दिया. जब ये बताती है तो ऑन सुजैन कंटिन्यूड इफ वी लर्न फ्रॉम काउ देन कन्वर्ट अवर डिफिकल्ट सिचुएशन इनटू फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस वी कैन ऑल्सो सक्सीड. स्टीव को उसकी मौसी बताती है कि अगर हम ऐसे ही अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम सक्सेस पा सकते हैं. स्टीव अब स्टीव को अपनी मौसी की बातों पे, अपने आंट की बातों पे काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलने लगा. वो उनकी बातों को पसंद करने लगा और फिर उसने पूछा कि आंट हाउ कैन वी कन्वर्ट अवर नेगेटिव एक्सपीरियंस इन टू पॉजिटिव लेसन. कैसे हम अपने नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव लेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं. आंट रिप्लाई, उसने मौसी ने रिप्लाई किया, वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट अवर नेगेटिव थॉट इन टू पॉजिटिव एक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज दिस टाइम एट होम टू रीड न्यू बुक्स एंड इंक्रीज योर लर्निंग. उनकी मौसी ने बताया, मीन्स आंट सुजैन ने बताया कि आप इस समय जैसे घर पे हो, दिन भर कोई काम नहीं, स्कूल भी नहीं जा रहे, कोई होमवर्क
पढ़िए और जो जनरल नॉलेज की हो, जिनमें बहुत सारी बातें हमें पता चल रही हूँ, न्यू बुक्स पढ़िए, उससे आपको आपकी नेगेटिविटी दूर होगी और आप कुछ सीखोगे, नया सीखोगे। स्टीव अंडरस्टूड द लेजेंड ऑफ द स्माइल, स्टीव समझ गया और मुस्कुराया। ही सेड सो इवन दो आई एम एट होम, क्योंकि मैं घर पे हूँ बीमारी की वजह से, आई कैन स्टिल रीड बुक्स एंड यूज माई टाइम वेल। अब मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ सकता हूँ और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूँ। ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू गेट हिम बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, इसलिए अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे कई डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ला दीजिए जो कि लर्निंग वाली हों, जिससे हमें कुछ सीख मिल सके और वो पढ़ेगा। स्टीव वॉज नाउ क्यूरियस एंड आस्क्ड हिज आंट, स्टीव ने स्टीव जो कि अब बहुत क्यूरियस था, जानने की इच्छा रखता था, उसने पूछा हाउ इज दैट आंट सुजैन कंटिन्यू, वी नीड टू टेक आवर नेगेटिव थॉट एंड कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव एक्शन। आंट सुजैन ने कहा था कि हमें हमेशा नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, देन वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस वी विल स्योरली सक्सीड इन लाइफ। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे हम लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं। देन व्हेन ही वुड रिटायर टू बेड ही वुड थिंक ऑफ ऑल दैट ही हैड, जब वो बेड से उठा नहीं, जब वो बीमारी से उठा, जब वो ठीक हो गया, तो उसने सब सोचा कि जो कुछ मैंने सीखा उस टाइम पे जब मैं घर पे था, इन दिस वे ही इंटरनलाइज दिस लर्निंग, इस तरीके से वो अपनी लर्निंग को इंटरनलाइज करता है। बाय द टाइम स्टीव रिकवर्ड ही हैड बिकम अ डिफरेंट पर्सन, जैसे धीरे धीरे स्टीव ठीक होता जा रहा था, रिकवर होता जा रहा था, डिफरेंट पर्सन बनता जा रहा था। इस पॉजिटिव थिंकिंग हैड मेड हिम फास्टर एंड एनी मेडिसिन, क्योंकि उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आ रही थी, इससे वो काफ़ी जल्दी ठीक हो रहा था। व्हेन ही रिटर्न टू स्कूल एवरीवन नोटिस्ड द चेंज इन हिम, जैसे ही वो स्कूल वापस आता है, सबको उसके अंदर कुछ चेंज, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई दिए। द टाइम एट होम हैड ऑल्सो मेड हिम हम्बल, धीरे वो हम्बल होता गया। ही शेयर्ड हिज नॉलेज विद हिज क्लासमेट, अपने क्लासमेट्स के साथ भी उसने अपना नॉलेज शेयर किया जो भी उसने उन सिक्स मंथ्स में गेन किया था। एवरीवन वांटेड टू बी विद हिम, हर कोई अब उससे बात करना चाहता था। ही बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक बाय एवरीवन एंड ऑल। द मोटो स्टीव गेव टू हिज फ्रेंड वाज स्टे पॉजिटिव एंड कन्वर्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव लर्निंग। स्टीव ने अपने दोस्तों से बताया कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी नेगेटिव थिंकिंग्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेस गेन करेंगे। बोर्ड पे मैंने आपको जो कॉपी वर्क करना है वो लिख दिया है, बोर्ड पे मैंने डिफिकल्ट वर्ड लिखे हैं, टेम्पर्ड, इरिटेबल, डिसिप्लिन, बिहेवियर, सबस्टेंस, सर्कमस्टेंसेस, इंटरनलाइज, थीम, ये वर्ड्स आपको कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद वैल्यूज हैं, रिमेन हम्बल, लर्न फ्रॉम ऑल थिंग्स एंड थर्ड है लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड आपको जो प्रिंसिपल्स हैं, स्टे पॉजिटिव, gain knowledge from people, books and everywhere, share your knowledge and learning with others through interactions। और इसके बाद वर्ड मीनिंग भी आपके बुक में लिखा हुआ है, उसको भी आपको कॉपी पे करना है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में कराऊंगी।